आज सेंट पैट्रिक्स डे और भूख लगी थी शाम के टाइम पे जॉब जाने से पहले, तो मैं ही आ गया था मुस्तान। यहाँ पर कुछ मस्त फलाफल पिज्जा मिलता है $11 में, और इसके बाद हम जा रहे हैं डाउनटाउन में घूमने प्लेसेस आर्ट्स पे, कुछ खा लेते पहले। यहाँ आ गई हमारी पब्लिक। भाई मेरे मुंह से निकाला छीन रहे तुम लोग, शर्म नहीं आती? हाथ से भी छीन रहे हो, हाथ से भी छीन रहे हो। आज सेंट पैट्रिक डे, तुम लोग सेंट पैट्रिक डे मनाते हो? सेंट पैट्रिक दिवस मनाने जा रहे हैं। पत्रिका बेची जाती है। कहाँ जाने का उसके लिए? क्लास डे आर्ट्स। तो भाई जल्दी खाओ। और वो अपने मामा कहाँ पर है? डांसिंग कार का प्रोग्राम है। बाउंसिंग कार। एक टंग ट्विस्टर दो क्या? जो बोलेगा उसको मेरी तरफ से पिज्जा। अच्छा दूसरा बोलता है ना, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी जाके। ओके जीत जीत जीत। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, ऐसे 5 बार। दूसरा कौन सा टंग ट्विस्टर? तू टंग ट्विस्टर दे रहा था ना? मेरे को नहीं आता। कॉन्कॉर्डियन तो क्या है? तू कोडिंग में करेगा। चांदी रात में चांदी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाएगी। हार्दिक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदनी की चम्मच से चटनी चढ़ाई। इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन टू द एक्स पर्सन टू द लोकेशन टू द प्लेस टू द थिंग एंड टू द प्रोडक्ट एंड टू द एक्टिविटी प्रोसेस राइट। मेट्रो आ गया। प्लेसेस आर्ट्स पे आर्ट्स की कमी नहीं है। आ चुके हम प्लेसेस आर्ट्स के स्नो स्केटिंग प्लेस पे। इतनी लंबी लाइन है, चलना है? चलो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे आइस स्केट करने का मौका नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि तीसरे साल तक मिलेगा, क्योंकि अब समर आने वाला है और ये चीज खत्म होने वाली बहुत जल्द। आइस स्केट किया है? नहीं किया, 2 साल हो गए, लेकिन इतनी लंबी लाइन है उसमें तो अभी कल तक नंबर आएगा। प्लेसेस आर्ट्स पे ये जो व्यू शाम के समय पे आता है ना, और यहाँ पर बैठ के पूरा बिल्डिंग आर्किटेक्चर देखने में जो मजा आएगा वो समर्स में और ज्यादा आएगा। ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे मैच है? और यहाँ हम आ गए कॉम्प्लेक्स डिजार्डन्स में। ये जगह आपने बहुत बार देखी होगी। क्या आपको पता है सेंट पैट्रिक्स डे क्यों मनाया जाता है? नहीं, तुम्हारे पास तो होगी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल है, क्योंकि मैं क्या हूँ कि व्लॉगर हूँ ना, तो मैं ना एक दिन पहले से ही उसके बारे में एडवांस रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वक्त हर किसी का आता है, कभी छोड़ना नहीं। वीडियो के लिए करना पड़ता है एक ब्लॉगर को, यानी सेंट पैट्रिक की मृत्यु का दिन है आज। एंड व्हाई ही इज मोर सेलिब्रेटेड, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्रिश्चियनिटी को आयरलैंड में लाने में हेल्प की थी। तो बस ये छोटी सी बात है, बट ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? मुझे लगा कि टपक जाए सबको से। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम कमेंट्स में लिख देना। आइसक्रीम खानी है? मैंने सुना तो खिला रहा है। वाह गाइस, मैं बता रहा था कि हम आ गए हैं डिजार्डन्स में, और ये लोगों की बातों को इग्नोर करो। ये आइसक्रीम खाने का है। बाहर ठंडी है, नाक बह रही है, दिखता नहीं है।
सब लोग बैठ के यहाँ पर फाउंटेन शो देख रहे हैं। ये का वो सेंटर वाला है ना, वो उधर तक जाएगा। हाँ उधर तक। तो अपने ही वेट करते हैं, देखते हैं। एक क्लिप लेने के लिए तब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अभी तक वो फाउंटेन ऊपर तक नहीं गया। ये है सैड लाइफ ब्लॉगर्स की। अभी तक नहीं आया ये शुभम भैया। आइसक्रीम खिलाओ ना। क्या आइसक्रीम खा रहे थे ये? इसका वो बीच में फाउंटेन ऊपर तक जा नहीं रहा है अभी तक। आसपास की जनता कब से इंतजार कर रही है। ए ए गया, ए गया, ए गया, ए गया, ए गया। चलो भाई अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलो। आ गए क्लिप। चलो सीधे सीधे सब घर। ये आएगा ब्लॉग में, ये आएगा ब्लॉग में। ये हाँ देखिए तो क्या कर रहा है। ऐसे वो देते और फिर छीन लेते बोला। अगर मेरे को इस तरह से देंगे तो मैं ऐसे मंगवाना नहीं खाऊंगा। लेना है तो ले, वरना चुपचाप चलता बन घर पे। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। थैंक यू सो मच भाई। बोल क्या बोल रहा था, जिंदगी में ऐसा एक पड़ाव आएगा जब आपको कुछ पसंद नहीं होगा। हाँ फिर भी आपको वो हम तीनों का थोड़ा सही है बट बेचारा हार्दिक पछता रहा है अपने डिसीजन पे। नहीं नहीं मैंने एडजस्ट कर लिया। ले रो मत, चल चल आ जा, चल आ जा, मैं देता हूँ आइसक्रीम। पूर्वेश की कंप्लेन है यहाँ पर जी। तू उसका ना स्टोरी पे है ना अच्छे से मेंशन नहीं करता। तीन बार हमने इसको बोला कि ठीक से बैठ, ठीक से पोज दे, हम सब बैठे ना। इसने भी ऐसे किया ना, आर्गुमेंट करता है जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में छोटी छोटी पहनना जरूरी है वैसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे गाना रखना जरूरी है, ऐसा करके तो आर्गुमेंट करता है। वही तो बात है, ये क्या तरीका है तेरा। फिर ऐसे गला डगमगाने लगता है इसका, मोर जैसे नाच रहा है। ये क्या है बस इतना ही था आज का सेंट पैट्रिक्स डे। एंड सेंट पैट्रिक्स डे पे हमने कुछ खास किया नहीं, उखाड़ा नहीं, उखाड़ने लायक कुछ था ही नहीं क्योंकि वेदर कुछ ज़्यादा ही ठंडा था और कल परेड भी है। बस इतना ही था, अभी हम चलते हैं, मिलते हैं किसी अपकमिंग व्लॉग में और फिर बाय बाय।